गुड इवनिंग एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग ओके okay, तो वॉट इज पर्पस दैट वी आर मीटिंग रात को दस बजे है ना ऐसा क्या हो गया मैम कि हम इतना लेट मिल रहे हैं तो फिर पहले ऑडियो वीडियो चेक कर लेते हैं भाई ओके सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरी वन एंड आई रियली रियली होप आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा एंड आई बी टेकिंग मच ऑफ योर टाइम सिर्फ दस स्टेप्स इस सेशन में है ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ दस टिप्स के बारे में बात करने वाले इस सेशन में और ये टेन टिप्स विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इज योर एग्जामिनेशन ओके सो वेरी वेरी गुड इवनिंग कौन कौन है यहाँ पर क्लास में लेट इज क्विकली चेक कौन कौन आ गया है एम आई लाइव आई एम ओके सो वी हैव पूजा गोपाल संजय हुमा साक्षी सोनू कोमल रोशन आयुष जीतू वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड लॉट मोर भाई एक सिंपल सी चीज है नाम लेने का रिवाज क्यों है सिंपल सा ताकि आप में से कोई ये आपका लांछन ना लगा दे कि मैम ये लाइव है या रिकॉर्डेड ठीक तो है तो लाइव है सो एग्जाम जब चालू होते हैं या एग्जाम जब चालू होने वाले होते हैं हम लोग उस समय बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मतलब अलग अलग तरह के खयाल मन में आते हैं अगर मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ तो मैंने पढ़ा तो है पर क्या मुझे याद है कहीं मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं है अगर मैंने अपनी लाइफ में एफ ए आई एल वाला वर्ड देख लिया तो क्या होगा और ऐसे बहुत सारे अजीबो अजीब ख्याल है ना नॉट अजीब लाइक वाई वाई वी सी आर सेल्फ गरीब वी आर सी एस हम गरीब नहीं होते तो बहुत ही अजीबो अजीब ख्याल आते हैं हमारे मन में और हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं यार काश कुछ ऐसे मैजिक टिप्स मिल जाए कोई ऐसा शॉर्टकट पहले से पहले सक्सेस का शॉर्टकट होता नहीं है बट हम तो डेफिनेटली सोचते हैं काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हम एग्जाम को एकदम ऐसे ऐस एस कर पाए है ना कुछ ऐसा करें कि भाई कुछ भी हो एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए तो आज मैं आप लोगों के पास वो दस टॉप सीक्रेट टिप्स लेकर आई हूँ दैट विल फॉर्च ऑल गोना हेल्प यू ऑल टू एस योर एग्जामिनेशन तो सबसे पहले थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ रे आर यू गाइस रेडी टू एस योर एग्जाम्स ओके एंड लेट मी टेल यू दीज टिप्स आर फॉर एवरीवन वेदर यू आर फाउंडेशन स्टूडेंट इंटर स्टूडेंट फाइनल स्टूडेंट ऑल इलेवन स्टूडेंट भाई दुनिया का को, कोई भी बच्चा जो एग्जाम देने वाला है ना दिस विल हेल्प तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन इफ यू फील दैट इट 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 विल हेल्प एनी ऑफ योर फ्रेंड भाई बहन दोस्त रिश्तेदार नातेदार हुए भाई प्लीज शेयर कर देना सबके साथ तो मजा है नहीं तो नहीं मजा है है ना सेशन देखने के बाद इफ़ यू लाइक इट जस्ट शेयर इट विद एवरीवन कमेंट करके जरूर बताना कि विल इट ना हेल्प यू ओके लेट इज क्विकली बिगिन विथ आर टेन टिप्स ओके दस चीजें जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में एज करवाएगी द फर्स्ट थिंग इज गेट इनफॉर्म्ड ओके जस्ट अ सेकेंड लेट मी गेट इनफॉर्म्ड फर्स्ट ओके सो वट इज है मीन्स कोई भी चीज बोलने से पहले उसका मतलब समझ में आना चाहिए तो यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन टॉपिक का इन्फॉर्मेशन सो सपोज मैं सेल ऑफ गुजरात पढ़ रही हूँ और सोगा पढ़ते टाइम मुझे पता होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं अनलिस एंड आई आयल भी अवेयर के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं कौन कौन से आते हैं या फिर वो किस टाइप के आते हैं डायरेक्ट आते हैं किस स्टडी आते हैं मैं सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकती अपनी स्टडीज सो आई एम टेलिंग यू गेट इन फॉर्म मतलब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो देखो एम सी क्यू भी तरीके के आते हैं अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो क्या ये ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरा लंबा वाला बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा या फिर ये ऐसा टॉपिक है जिसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे लॉ पढ़ रहे हो तो ये पता रखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने की ज्यादा ज़्यादा चांसेस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं समझ रहे हो तो ओवरऑल द फर्स्ट थिंग इज टॉपिक पढ़ते टाइम तुमको पता होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है डोंट थिंक लाइक अ स्टूडेंट भाई जिंदगी निकल गई बच्चों की तरह सोचते सोचते तो। नाउ थिंक लाइक आईसीए अगर मैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर कर रही हूँ, मुझे ये सोचना बहुत जरूरी है विल इट गोना हेल्प मी इन फ्यूचर है ना आईसीए ने इस चैप्टर को 5 मार्क्स का वेटेज दिया अब तो कुछ तो दम होगा तो पाँच मार्क्स के लिए आई किस तरह की चीज़ पूछेगा जिस फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि यार इस टॉपिक में अमेंडमेंट है ये तो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है सो जस्ट थिंक लाइक दैम हम अगर ये चीज़ तुमको बता सकते हैं तो तुम भी तो सोचो अच्छा इस टॉपिक में ये चीज़ ट्रिकी है ये आएगी एग्जाम में सो स्टार्ट थिंकिंग नॉट एज अ स्टूडेंट कि मुझे क्या इजी लग रहा है बल्कि थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एग्जाम में क्या आ सकता है एंड देन प्रोसीड योर स्टडी सी इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग लेट मी टेल यू एक बच्चा कहता है कि मैं पच्चीस पच्चीस घंटे पढ़ रहा था फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया दूसरा कहता है यार मैं तो रेगुलर पढ़ रहा था और सिर्फ दस घंटे आठ घंटे रेगुलर पढ़ाई करी और मेरा क्लियर हो गया तो कहीं ना कहीं वॉट एक्चुअली फेल इज नॉट योर प्रेपरेशन इज योअर प्लानिंग है ना तो थिंक लाइक द पर्सन ग एग्जामिन यू तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव एरिया आएगा ओके okay? माया मेरी कम्युनिटी पे आना पड़ेगा आपको नेक्स्ट मेक योर ओन स्टडी एड अब देख रहे हो एक नया पे सिखा रही हूं स्टडी एड दैट स्टडी एड मीन डज इट मीन्स ओनली नोट्स नो इट्स इट्स वे बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली नोट्स इज वन ऑफ द पार्ट नोट्स ज्यादा आई वुड से say, छोटे छोटे, छोटे चार्ट्स है ना अगर मैथ्स में आपने किया है तो बहुत ही बढ़िया नहीं किया है तो फॉर्म्यूला बुक छोटी सी फॉर्म्यूला डायरी सेक्शन समरी ये तो मैं ही बनवाऊंगी आप लोगों को या केस समरी मतलब जो पूरा टॉपिक पढ़ रही उसका कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट निकाल के रखो अलग अलग सब्जेक्ट में जो आपको बहुत हेल्प करे आगे जाकर है ना तो आपको अपने स्टडी एड्स तैयार रखना है चाहे टॉपिक पढ़ते टाइम हाईलाइटर uh, से हाईलाइट कर रहे हो या साइड में स्टकी स्टिकी नोट्स लगा लगा कर छोटे छोटे चार्ट्स बना रहे हो या फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ और कर रहे हो राइट right? ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट और भाई और बहनों वर्चुअल लाइब्रेरी जो पूछो भाई कम्युनिटी पे आ जाओ उस ले उस पर लिंक है ठीक है वहाँ पर मिल जाएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस फॉर इन एवेटेबल फॉर डिस इट मीन हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं हम लोग सब बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन क्यों किसी के साथ ऐसा होता है कि वो एक दो मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाता और वहीं पे कोई दूसरा बंदा है जो नाइनटी ले आता तो इसके अंदर जो तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो तरह के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम सॉल्व करने हैं और, और वो इस तरीके से सॉल्व करने कि अगर वैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप सॉल्व कर पाओ देखो एक कड़वा सच है मोरोलेस अकाउंट्स आप सबको अपना सा लगता है इकोनॉमिका सा मैथ्स और लॉ ही एक सपना सा लगता है।, है ना तो इस सपने को हकीकत में कन्वर्ट कर लेते हैं और इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बात करती हूँ भाई मैथ्स में बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन होते हैं एक जैसे है ना आप उसको सोल्व कर पा रहे हो यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर इनबल लॉ में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे आरटीपी पीवाई क्यू क्यों करते हैं हम लोग डू यू नो द रीजन आर टीपी और पीवाई क्यू बैच करने का डू यू नो दैट एम सी क्यू मैच अटेंड करने का रीजन यही कि हम एक जैसे क्वेश्चन बार 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 बार, बार, बार प्रैक्टिस करेंगे यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट वो करने के बाद आपको टेंशन रहेगी ही नहीं दिमाग में कि यार मैंने ये नहीं किया या मैंने वो नहीं किया एवरीथिंग विल भी कवर्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे करते यार आज तो मैं दस घंटे पढ़ूंगा और नेक्स्ट पूरा दिन मैं ऐसे टाइम पास करूँगा ऐसे नहीं होता है यू नीड टू स्टडी रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली पढ़ाई डेली डेली करना पड़ेगा किसी दिन बहुत ज्यादा और किसी दिन बहुत कम ये आपके एक बैलेंस को बिगाड़ेगा और वो आपके रिजल्ट में दिखता है राइट right? अगर कोई एक बच्चा नाइन्टी ला सकता है जस्ट बिकॉज उसका कंसिस्टेंसी था तो वो आपको भी बिल्ड करना पड़ेगा अल्टीमेटली वही आपका रिजल्ट लेके आएगा ठीक है पूरी दुनिया को हम झूठ बोलते हैं हम दस घंटे पढ़ते हैं हम बारह घंटे पढ़ते हैं हम पंद्रह घंटे पढ़ते हैं, हैं। खुद से सच जरूर बोलना बी ट्रू टू योर सेल्फ थोड़ी देर दिन खत्म होने पर ये लेक्चर के बाद काफी लोगों का दिन खत्म हो जाएगा दो मिनट ये बेटा आप रिपीटर हो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो ये आप सबके लिए है है ना एक बार शांति से आगे बंद करके सोचना कि कितना घंटे ऐसे निकले हैं तुम्हारे जब तुमने एक्चुअली प्रोडक्टिव कुछ नहीं किया हाँ यार सोचा था पाँच मिनट बस फोन चलाऊंगा पच्चीस मिनट चल गया यार थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर गया था फ्रेश एयर लेने फिर वो मिल गया फिर वो मिल गई फिर वो दिख गई फिर वो दिख गया और पता ही नहीं चला कहाँ घंटे पूरे हो गए भाई बहन तो होते ही बुरे हैं टीवी चला दिया टीवी पे इतना अच्छा शो आ रहा था ये सोचा था बस एक एक लुक देखूँगा पता नहीं एक घंटा किधर गया या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ है कुछ देर के लिए आंखें बंद करके खुद से सच बोल के देखो चौबीस घंटे में कौन सा ऐसा टाइम था जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं थी और वो कौन सा डिस्ट्रैक्शन था जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हुई मैम फ्रेंड का फोन आ गया था और ना बस दो मिनट बात करनी थी पता नहीं डेढ़ घंटा कैसे बात हो गई तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है यू नीड टू फाइंड इट एंड जस्ट कट दैट आउट एक चीज ध्यान रखना दुनिया चलती रहेगी एग्जाम एक ही बार आएंगे है ना दोबारा तो रिपीट होंगे डिवाइड बिग बिग कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉलर वंस कई बार बड़े बड़े डेफिनेशन होते हैं जिसको लेके हम बड़े परेशान हो जाते हैं यार ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा कैसे याद करूं मैं मुझसे नहीं याद होगा तो आपको उसको छोटे छोटे से में डिवाइड करना है आपको उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है जैसे अकाउंट्स में आपने अकाउंट्स की डेफिने लाइक अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपने डेफिनेटली याद करी होगी इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग या फिर हम लोग सोगा के अंदर गुड्स का डेफिनेशन कर लेते हैं छोटा सा चार्ट 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 बनाकर हम लोग वो कर लेते हैं तो इस तरह से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे 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 छोटे, छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है ओके okay? दिमाग में अगर बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो उसका क्या करें बोला ना कट आउट करो एक चीज ध्यान रखना पूरी दुनिया में हर इंसान आपको बहुत मोटिवेट कर सकता है बट एट दी एंड ऑफ द डे तुम्हारा खुद का मोटिवेशन तुम्हारे काम में आएगा और जब भी दिमाग में थॉट्स आते हैं तो उनको किक आउट करो और उनको बोलो जा भाई दिमाग में बहुत चीजें हैं डालने के लिए तुम्हारे लिए फिलहाल जगह नहीं है क्योंकि एग्जाम नजदीक है नेक्स्ट डोंट लिव एनी थिंग थिंकिंग इट इज़ ईजी हम लोग ना ये बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट अरे ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें तो कुछ नहीं रे डॉक्ट्रीन ऑफ इंडो मैनेजमेंट मैम ने दस बार पढ़ा दिया हमने पच्चीस बार पढ़ लिया अरे इसमें कुछ नहीं है ये नहीं रिवाइज करने की ज़रूरत एंड यू left इट बिकॉज यू thought इट इज़ easy एग्जाम में वही आ गया और क्योंकि आपने ईजी समझ के उसको रिवाइज़ नहीं किया एग्जाम में क्लिक ही नहीं हुआ प्लीज डू नॉट लीव एनी विच इज ईजी वो जो ईजी है वो तो करके ही जाओ ना क्योंकि डिफिकल्ट चीजें भी तुम कर रहे हो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि अरे ये तो बहुत ईजी है इसको तो छोड़ देता हूँ और वो जब एग्जाम में आता है तो वही अटकाता है तो प्लीज डोंट कमिट दिस मिस्टेक ओके पी रेगुलर नेवर मिस अ क्लास ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैं तो कोई क्लास मिस ही नहीं करता बस वो आज फूफा के चाचा के दादा के नाना के भाई की बेटी की शादी थी ना तो इसलिए मैं जाना पड़ गया नहीं तो मैं रेगुलर ही हूँ अरे आज ना थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया कल शादी में गया था ना इसलिए आज की क्लास मिस हो गई नहीं तो, तो मैं क्लास मिस ही नहीं करता हूँ एंड सो ऑन भाई क्या ही रीजन है वो शादी नहीं करेगा आप नहीं जाओगे तो या पेट दर्द हो गया तो क्लास सुनने में कौन से कान दुख रहे हैं आंखें दुख रही है प्लीज बी रेगुलर नेवर मिस अ क्लास क्योंकि कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट जो क्लास में पढ़ाया हुआ है हो सकता है बाद में आप रिवाइज नहीं भी कर पाओ पर एग्जाम में वो क्लास में पढ़ी हुई चीज क्लिक हो जाए और एक एक मार्क्स की कीमत हम ही जानते हैं है ना सो so लाइक like, कोई कहता ना एक मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो आई से है बाबू फेल से पास करवा सकता है ये एक मार्क्स फोर्टी से 40 पर ला सकता है ये एक मार्क्स 199 से 200 क्रॉस करा सकता है ये एक मार्क्स तो हमें पता है ये एक एक मार्क्स एक एक क्लास कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है है कि नहीं सी ए फाउंडेशन का कोर्स चेंज हुआ अरे भाई नवंबर तेईस अभी मई जून वालों को तो करने तो जो कर रहे हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवाइज एंड टेस्ट योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करते हो रिवाइज नहीं करते हो एंड दिस हैजू बी डन ऑन एवरी डे बेसिस मुझे नहीं पता वो फाइव मिनट्स लॉ वाला जो सीरीज ले रही हूँ मैं वो तुम देख रहे हो या नहीं देख रहे हो बट आज ना फाइव की जगह थोड़ा सा बड़ा टेन मिनट्स का सीरीज हो गया पर दस मिनट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया और देखा आप लोगों ने दस मिनट में पूरा यूनिट वन लिख दिया यार तो इस तरह से शॉर्ट टेस्ट खुद के लो खुद को एनालाइज करो देखो जो मैंने पढ़ा है मुझे कितना आता है अनलेस एनटिल यू टेस्ट योर सेल्फ यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ टू मेक श्योर वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाने के लिए आप खुद को टेस्ट करते रहो डेली बेसिस पे बिकॉज टेस्टिंग प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल ओके एंड आइज प्रॉमिस बहुत बड़ा सेशन नहीं ले रही हूँ ये दस इंपॉर्टेंट चीजें आपको बिल्कुल 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 ध्यान रखनी है वापस एक बारी क्विकली देख लो सबसे पहले गेट इनफॉर्म जो पढ़ रहे हो वो ये सोच के पढ़ो ये क्यों पढ़ रहे हो भाई एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है कितना रेलिवेंट है आईसीआई की तरह सोचो कब बम फोड़ना है अगर डिफिकल्ट तो क्या पूछ सकता है अगर इजी पूछा तो क्या पूछ सकता है अपने स्टडी एड्स खुद बना के रखो प्रैक्टिस फॉर इनविटेबल भाई जो चीजें आती रहती है उसके लिए तो यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड देन हर रोज पढ़ो रेगुलरली पढ़ो कंसिस्टेंसी बनाओ एक स्ट्रीक बनाओ बीच में तोड़ो मत उसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन है जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उसको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर लो फिलहाल अपने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो आपको परेशान करते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में डाँट बांट दो खुद नहीं बांट सकते हो टीचर्स की हेल्प लो बिकॉज हम तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए करते ही रहते हैं कोई भी चीज़ ईजी है उसे सोच कर छोड़ो मत रेगुलर रहो प्लीज़ क्लास को मिस करो मत और अपने आप को एनालाइज करते रहो टेस्ट करते रहो और ये कंटिन्यूस एक्टिविटी करते रहो ओके और अगर आप में से किसी को लगता है कि हाँ मैम टेस्टिंग के लिए रेवेशन के लिए आर टी पी बैच सही रहेगा एम सी क्यू प्रैक्टिस बैच सही रहेगा सो गई गेट योर सब्सक्रिप्शन डन ना चार महीने का ऑप्शन मिल रहा है अभी और आज आज का ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट है एज़ फार एज वेबसाइट इज से तो अगर तुम लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है गेट इट डन नाउ यूज़ कोड स्वाति टेन ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा दस हज़ार रुपये लगेंगे लेकिन दस हज़ार रुपये में अगर एक अटैम्प्ट बचता है ना लाइक like, Nothing is precious than that. तो तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है राइट right? आपका बैंक से अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो कार्ड से ट्राई कर लो कार्ड से नहीं हो रहा है तो वॉलेट से ट्राई कर लो भाई बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर और आपके उससे नहीं हो रहा है तो किसी से टेम्पररी अरेंज करके कर लो बिकॉज ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट इज एज एड यूज सो अति यूज करके देख लो डेफिनेटली हो सकता है सब्सक्रिप्शन फटाफट हो जाएगा ओके okay? कल रात को दोबारा हम लोग दस बजे मिलेंगे इसी से रिलेटेड एक मिलता जुलता सेशन मैं आप लोगों के लिए लूंगी विद अ वेरी वेरी डिफरेंट कंटेंट ठीक है वेबसाइट में फिलहाल खुल के आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ यहाँ पर लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि जो दस पंद्रह मिनट के छोटे छोटे सेशन होते हैं ना ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ओके okay. जिन लोगों नहीं जिन को नहीं पता और जिनको नहीं पता लाइक कि क्या क्या होने वाला है तो हम लोग रोज़ मिलते हैं दोपहर को बारह बजे जहाँ पर हमारा पार्टनरशिप एक्ट चल रहा है फिर हम मिलते हैं एक बजे जहाँ पर हमारा बीबीडी फास्ट ट्रैक रिवेशन सीरीज चल रहा है जिसमें हम कर रहे हैं सो का और उसका यूनिट टू स्टार्ट हो गया है एंड रात को दस बजे मैं आपसे मिलूंगी हाउ टू स्टडी फॉर अपकमिंग एग्जाम अभी जो मैंने आपको बताया वो एक जनरल चीज थी है ना किस तरह से हम कोई भी पेपर को एस कर सकते हैं लेकिन अब हम बात करेंगे बहुत ही स्पेसिफिक गाइस गैसिफ इतना बोलूंगी अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आया है प्लीज़ लाइक like करो है ना और कमेंट करके मेरे को बताओ कि कितना यूजफुल लगा आपको ये सेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने रिलेटिव्स uh, तक अपने भाई बहनों तक इस सेशन को पहुंचाइए उनको बोलिए कि ये सेशन ज़रूर देखो क्योंकि एग्जाम तो सबको देना पड़ता है है ना और रेगुलरली अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो बैकलॉग हो या फ्रंट लॉग हो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता अगर सामने वाला जो बिना बैकलॉग के वो आठ घंटा पढ़ रहा है तो आपको दस तो पढ़ना ही पड़ेगा और वो दो एक्स्ट्रा घंटे आपका बैकलॉग साफ कर देंगे समझ कर आर वी गुड विद दिस सो अगेन यूज टू गेट योर सब्सक्रिप्शन डन एट एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए करना चाहते हो तो लाइट का सब्सक्रिप्शन हो लेकिन अगर आप बेटर uh, है कि आप प्लस का mm -hmm. या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लो बिकॉज प्लस और आइकॉनिक में लाइट के बेनिफिट मिल जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट प्लस पे जहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लासेस सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स मिलते हैं वहीं पे आइकॉनिक में सबके अलावा स्टडी मटीरियल और मैंटो और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जैसे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज है है ना मज़ेदार तो इसी के साथ धन्यवाद प्लीज लाइक प्लीज़ कॉमेंट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज दिस विल बी मोस्ट मोस्ट यूजफुल सेशन ओके धन्यवाद